ओम गणेशाय नमः। अभी नवरात्रि चल रही है, गुप्त नवरात्रि। तो सबसे पहले तो नवरात्रि देखिए, वर्ष में चार नवरात्रि होती है, दो गुप्त होती है, एक अभी चल रही है माघ की, एक आषाढ़ी मतलब वो जून के आसपास आएगी, और दो तो आप लोगों को पता ही है, एक संवत शुरू होता है तो नॉर्मली अप्रैल में आती है चैत्री नवरात्रि, और एक आती है अक्टूबर में जिसको अपन शरद नवरात्रि भी कहते हैं, दुर्गा पूजा नवरात्रि, वो वर्ड फेमस वही है दुर्गा पूजा। तो इस तरीके से ये चार नवरात्रि हैं। अब इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि वैसे तो YouTube भी भरी हुई है और आप सब भी जानते होंगे कहीं ना कहीं कि नवरात्रि का पूजन, उसमें एक पुस्तक पढ़ी जाती है दुर्गा सप्तशती, फिर सचंडी का यज्ञ होता है एंड में, ब्राह्मणों का भोजन होता है, सारा हवन वगैरह सब होता है। पर मैं आपको आज ये वीडियो किस लिए बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि एक ऑफिस गोइंग आदमी, बिजनेसमैन, जिनके पास समय नहीं है और जिनको विधि विधान भी नहीं आते, तो इन द शॉर्टेस्ट एंड सिंपलर वे हाउ टू डू दुर्गा पूजा ड्यूरिंग नवरात्रि, दैट इज माय मोटिव ऑफ द डे। तो कल जैसे बसंत पंचमी है, उसका तो खैर विशेष बात है कि बसंत पंचमी की पूजा अलग, मां सरस्वती की भी होगी वहां, पर दुर्गा पूजा में एक चीज जुड़ी हुई है, क्या कि ये दुर्गा जी की पूजा नहीं है, तीनों देवियों की है। आप कहीं भी दुर्गा सप्तशती में पढ़ेंगे, कहीं भी आप देखेंगे तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये तीनों देवियां एक ही रूप में समझ लीजिए, एक ही है, समाहित है, तो तीनों की पूजा होती है। तो इसलिए बसंत पंचमी कोई अलग नहीं है, हर साल आती है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी पंचमी तिथि है वो हमेशा गुप्त नवरात्रि, माघ नवरात्रि के पंचमी तिथि पे ही बसंत पंचमी है। तो अब देखिए, सबसे पहले दुर्गा सप्तशती, देखिए पहले आपने देवी का सब श्रृंगार वगैरह कर लिया, दीपक ये वो सब। अब दुर्गा सप्तशती का पाठ शॉर्टेस्ट, इसमें कोई विधान नहीं है, इसमें है वर्केबिलिटी, सुविधा। पर ये तो आप भी जानते हैं कि विश्वास और भावग्रह से आप कुछ भी करें, और एंड में तो इसमें एक मैं बताऊंगा, क्षमा प्रार्थना, फॉरगिव मी फॉर ऑल द फॉल्ट्स एंड मिस्टेक्स ऑफ माइन, बिकॉज वो इसलिए अप्लाई होता है कि हम कर तो पूरा कमिटमेंट, डेडिकेशन, समर्पण उसके साथ पूजा कर रहे हैं, भाव के साथ पूजा कर। तो सबसे पहले सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ है, तो वो बहुत शॉर्ट है, तो उसको अपने को कर लेना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था सप्तश्लोकी दुर्गा, सप्तश्लोकी अतः सप्तश्लोकी दुर्गा, तो ये दुर्गा का पाठ है और इसमें बहुत सिंपल है, इसमें एक या दो मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि इसके साथ सप्तश्लोकी मतलब सेवन श्लोक, और उसमें पूरी दुर्गा जो सप्तशती है 700 श्लोकाज हैं उनका ये निष्कर्ष है, तो वो है। उसके बाद में 108 नेम्स ऑफ दुर्गा, 108 ये एक पूरा चैप्टर बन जाएगा कि 108 ही हम क्यों कहते हैं, 27, 54, फिर 108 ऐसा क्यों है, ये फिर कभी बात करेंगे। तो 108 वाला वो नाम जो है अष्टोत्तर सतनाम, वो उसका पाठ। उसके बाद में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है दुर्गा सप्तशती की, गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक ले लीजिए, उसे आपको बहुत सिंपल वे में मिल जाएगा और करेक्ट मिलेगा, वहां कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो उसमें वो आता है देवी कवचम, तो यहां आपको एक बात समझ दी है, हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे हर एरिया में जो उठने वाले दुख
विधि दुख या रोग या पीड़ा, वो सब इससे कवर होते हैं। अगर आपको कोई बहुत लंबी बीमारी चल रही है, अपने आप को कवचम का मतलब समझते हैं आप, कवच करना, कंप्लीट कवरेज, वी विल बी कवरिंग एवरीथिंग, तो उसमें सब कुछ का है। हर देवी के श्लोक के साथ में पर्टिकुलर पार्ट ऑर्गन उसका उल्लेख है इसके अंदर, तो उससे आप कर सकते हैं। एक बीच में ही बात बता दूं, संस्कृत में है दुर्गा सप्तशती, पर हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, तो आपको जो सुविधा लगे वो पढ़िए। भाव इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, तो वो हो गया। उस कवचम में ये ध्यान रखिए कि उस समय जो आपकी मनोकामना है, मैंने अभी तो ज्यादा स्ट्रेस किस पे दी है कि शरीर की जितनी भी व्याधियां हैं, बीमारियां हैं, उनके लिए, पर इंपॉर्टेंस क्या है और इससे भी ऊपर, वो ये है कि हमें व्याधियां रोग हो ही क्यों, हमारी पीड़ाएं आए, हमें पीड़ा आए ही क्यों, तो उसके लिए ये पार्ट है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द शॉर्टेस्ट सिस्टम ऑफ कंडक्टिंग दुर्गा पूजा ड्यूरिंग द नवरात्रि, और डेली रूटीन में भी आप इतना तो कर ही सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। फिर उसके बाद में वेदोक्त और कई वो तंत्रोक्त अधर्व शीर्ष वो सबको छोड़ दीजिए, मतलब मैं छोड़ने का नहीं कह रहा हूं, पर ऐसा हो नहीं सकता रोजाना रूटीन में, तो अपन तो सीधे एक पे आ जाते हैं। देखिए विधान तो ये है कि तीन चरित्र में ये दुर्गा सप्तशती है, 13 उसके चैप्टर्स हैं, 30 अध्याय हैं, उसमें जो फर्स्ट है वो हम एक दिन में उसको पढ़ सकते हैं, जो सेकंड थर्ड फोर्थ है उनको एक साथ पढ़ना होता है, फिर फिफ्थ से लेके और 13 तक एक साथ पढ़ना होता है। विधान तो ये है, पर मैं तो वहीं पे हूं, ये मेरी मान्यता है, मेरा मानना है, ये मैं जानता हूं कि ये मैं क्यों मानता हूं, क्योंकि भाव सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या है, आजकल हर एक को लक्ष्मी चाहिए, मनी मैटर्स, धन चाहिए, तो धन के लिए शक्रद है, चतुर्थ अध्याय, आप चतुर्थ अध्याय का पाठ करिए और देवी का ध्यान करिए, दुर्गा का लक्ष्मी रूप में ध्यान करिए, यहां पर लक्ष्मी रूप में ध्यान करिए, कमल के ऊपर विराजे हुए उनकी मूर्त आप कहीं नहीं मिले, तो आपके ये जो आजकल गूगल जी हैं उस पे ढूंढ लीजिए इमेजेस ऑफ लक्ष्मी या इमेजेस ऑफ दुर्गा इन द फॉर्म ऑफ लक्ष्मी, तो आपको सब जगह मिल जाएंगे, और उसमें लक्ष्मी रूप में उनका कीजिए। फिर उसके बाद में एक फिफ्थ भी अध्याय है, फिफ्थ चैप्टर और 11th, ये दोनों में चाहे तो कर लीजिए, उनमें देवी की स्तुति है, तो उस स्तुति में हम भी शामिल हो जाएं, वो देवताओं द्वारा स्तुति है देवी की, देवी ने कहीं महिषासुर का वध किया तो उसके बाद है, फिर वो सब रक्त बीज और चंडमुंडर सबका जब वध किया उसके बाद है, पर अपने तो उनके देवी देवताओं की स्तुति जो की उन्होंने, देवी की, महाकाली कह लें, महासरस्वती कह लें, मां दुर्गा कह लें, मां लक्ष्मी कह लें, जो महाकाली की जो उन्होंने स्तुति की उसमें ज्वाइन कर लीजिए, और वो फिफ्थ और 11th चैप्टर वाले अध्याय वाला वो और पढ़ लीजिए। उसके बाद में जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, के बाद में जो कर लेना चाहिए, मैं ये सोचता हूं एक तो ये तो कर ही लेना चाहिए, क्योंकि इसमें भी फिर वही है, देवी की स्तुति है, और वो है तंत्रोक्त देवी सूक्तम, नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः, नमः प्रकृते भद्राय नीता प्रणता स्मदाम, यूं करके, और वो आप वो भी कर लीजिए। उसके बाद सीधे आ जाइए अपराध सहस्त्रानि, ये आप चाहे पहले पढ़ लें, ये क्षमा प्रार्थना है, दुर्गा सप्तशती में मिल जाएंगे आपको सब, तो क्षमा प्रार्थना करिए, यहां कर सकते हैं, मैं क्या करता हूं वो बता दूं, किताब में वही है कि यही करना चाहिए, पर मैं तो सबसे पहले ये किया, उसके बाद में 32 नाम है दुर्गा के, वो करता हूं, वही आपको करना चाहिए, ये अपन क्लोजिंग में आ रहे हैं, मतलब लास्ट में,
और एक है जो कि भगवान शिव के द्वारा, वो है कुंजिका स्त्रोत्र, दैट इज द की ऑफ एवरीथिंग। लास्ट में जैसे होता है ना अपना कि भाई प्रियम्बल हुआ, फिर उसके बाद में वो डिस्कशंस हुए और लास्ट में हो जाता है कि साहब टोटल सम, व्हाट इज द कंक्लूजिंग पार्ट, तो वह भगवान शिव ने जो रचित किया या सुनाया या कुछ भी समझ लीजिए, वो है कुंजिका स्त्रोत्र, उसका पाठ कर लीजिए। ये आपके दुर्गा सप्तशती का पाठ एक सिंपलर वे में, शॉर्टेस्ट वे में और भाव के साथ। ये मत मेरा है पर मैंने बहुतों से डिस्कस भी किया है, तो इस तरीके से ये चलना चाहिए। इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि दुर्गा सप्तशती में जैसे सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्र जो मैंने आपको कहा है, श्रुणो देवी प्रवक्षामि कुंजिका स्त्रोत्र उत्तमम येन मंत्र प्रभावेण चंडी जाप शुभो भव। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी सुनिए, इस पाठ से आप ये सारा जितना भी करते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ, चाहे उसमें कवच है, कीलक है, रेश है, जितने भी हैं, जितने रात्रि सुख, तंत्रोक सुख, सब वो सब इसमें कवर हो जाते हैं। दैट इज द दिस ऑल सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्र इज टू गिव यू द सक्सेस, टू गिव यू द कंप्लीशन ऑफ सक्सेसफुल दुर्गा पूजा। तो ये यहां तक हुआ। इसके बाद में लास्ट में कुछ सिद्ध संपुट मंत्र हैं, सिद्ध संपुट मंत्र है, आप उसमें देख लें। रोगों के लिए भी है, विपत्ति नाश के लिए भी है, धन संपत्ति के लिए भी है, जिनकी शादी नहीं हो रही है उनके लिए, पत्नी के लिए भी है, सारे मनोरथ आपके पूर्ण करने तो उसके लिए भी है। है वो सारे ही आउट ऑफ दोज 700 श्लोकाज ऑफ दुर्गा सप्तशती, पर वो अलग इन्होंने कंक्लूड करके और वो उसको अलग लास्ट में ये जो गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक है उसमें ये डाला है। तो आप कीजिए, आनंद लीजिए। और इस नवरात्रि में ये और बता दूं कि हमें एटलीस्ट हम 9 दिन पूजन नहीं कर सकते हैं, तो फर्स्ट डे, फिर उसके बाद में 5th डे पंचमी को, फिर 7th एंड 8th डे, और अगर पॉसिबल हो तो 9th डे ऑल्सो। ये इतने दिन तो जरूर करना चाहिए। वैसे इन रूटीन आपको फ्राइडे को जरूर करना चाहिए, शुक्रवार देवियों का ही वार है, उस दिन लक्ष्मी की पूजा भी होती है, श्री सूक्त और कनक धारा का पाठ कीजिए, क्या आनंद आता है उसमें, और आपके सोने की बरसात होती है। That's how these मंत्र, you know, कि हम जो शब्द बोलते हैं वही मंत्र है, और मंत्रों से हर चीज होती है। ये हमारा इतिहास है, ये हमारा शास्त्रोक्त बात है। तो आप सब कीजिए। मैं हूं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह, मेरा चैनल है श्री करणी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, और अगर कोई डिफिकल्टी हो, कुछ समझने वाली बात हो, तो मेरा सेल फोन नंबर है 9978627397। आपको और भी कुछ डिटेल चाहिए तो मेरी डॉटर हैं तुषार चारण, उनका भी है चैनल अबेंडेंस एंड ग्रेस, उसके अंदर भी जैसे कल बसंत पंचमी है उन्होंने ऑलरेडी डाल दिया है वो वीडियो बना के अबेंडेंस एंड ग्रेस, उस पे तो वो भी देखिए आप कि बसंत पंचमी पे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं क्या करने से। एक्ट एंड यू गेट। एक और भी बात कह देता हूं आपको, एक तरीका और भी है, एक मत के अनुसार, वो भी ऐसा नहीं है कि किसी के मन की बात है, पर जो एनालिटिक अप्रोच, जो ज्योतिषियों द्वारा समझ लीजिए शास्त्रोक्त बात है, कि किन राशियों को कौन से अध्याय का पाठ करना चाहिए, ये भी एक पॉइंट है। तो देखिए, पहली राशि होती है मेष, तो मेष राशि को पहला अध्याय का पाठ करना चाहिए। उसके बाद में होती है जो वृषभ राशि, वृषभ राशि को दूसरा अध्याय, फिर उसके बाद में आती है मिथुन राशि,
मिथुन राशि को, ये मैं बात कर रहा हूं दुर्गा सप्तशती के अध्यायों की बात कर रहा हूं जो 13 अध्याय है उनमें से, तो मिथुन राशि वालों को सप्तम अध्याय का पाठ करना चाहिए। फिर आता है कर्क राशि, कर्क राशि वालों को पंचम अध्याय का पाठ करना चाहिए। फिर आता है कन्या राशि, उनको दशम अध्याय का पाठ करना चाहिए। फिर आता है तुला राशि, उनको सिक्स्थ जो छठा अध्याय है उसका पाठ करना चाहिए। फिर आता है वृश्चिक राशि, उनको अष्टम अध्याय का पाठ करना चाहिए। फिर आता है धनु राशि, उनको एकादश मतलब 11 एकादश अध्याय का पाठ करना चाहिए। फिर आता है मकर राशि, उनको फिर अष्टम अध्याय का पाठ करना चाहिए। उसके बाद में आता है कुंभ राशि, उनको चतुर्थ अध्याय का पाठ करना चाहिए। और लास्ट में है मीन राशि, उनको नवम अध्याय का पाठ करना चाहिए। तो ये भी एक मत है, ये भी एक मान्यता है, तो ये भी किया जा सकता है। आपकी जो सुविधा हो, पर साथ में एक चीज रखिएगा, कमिटमेंट इज ए मस्ट। जो मन से, गट फीलिंग से, इंट्यूशनल फीलिंग से, इमोशंस फीलिंग से जो लगे वो कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। दुर्गाय नमः। एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह, मेरा चैनल है श्री करणी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान। और अगर कोई डिफिकल्टी हो, कुछ समझने वाली बात हो, तो मेरा सेल फोन नंबर है 9978627397। आपको और भी कुछ डिटेल चाहिए तो मेरी डॉटर हैं तुषार चारण, उनका भी है चैनल अबेंडेंस एंड ग्रेस, उसके अंदर भी जैसे कल बसंत पंचमी है उन्होंने ऑलरेडी डाल दिया है वो वीडियो बना के अबेंडेंस एंड ग्रेस उस पे, तो वो भी देखिए आप कि बसंत पंचमी पे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं क्या करने से। एक्ट एंड यू गेट, तो इस तरीके से। तो ऑल द वेरी बेस्ट। माँ दुर्गाए नमः।